नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यजीत भोजोगरे आयुर्वेदाचार्य, आपका आयुर्वेदिक दोस्त। हमारे वीरवेदा आयुर्वेदा केयर चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पे वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं और बहुत से हल्दी के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हम आज एक महीने के हल्दी का दूध का मसाला बहुत आसान तरीके से कैसे बनाएंगे वो देखने वाले हैं। रोज रोज हल्दी का दूध बनाने से अच्छा है एक ही बार में एक महीने का हल्दी के दूध का मसाला बना के रखो, जिससे हमें तुरंत हल्दी का दूध बनाने में और तुरंत हल्दी का दूध पीने में सहायता मिल सके। देखो दोस्तों, हल्दी का दूध देख रहे हैं तो भारतवर्ष में बहुत पुराने जमाने से हम ये हल्दी का दूध पीते आए हैं। हमारे घर में, सभी घरों में हल्दी का दूध बचपन से ही बनाते आए हैं। आज हम नए तरीके से हल्दी का दूध बनाना सीखने वाले हैं। देखते हैं कि ये इंस्टेंट हल्दी दूध मसाला कैसे बनाते हैं। देखो दोस्तों, बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। 5 चम्मच देसी हल्दी का पाउडर ले लो, उसमें 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिक्स करो, 1 चम्मच लवंग का पाउडर मिक्स करो, 1 चम्मच काली मिरी का पाउडर मिक्स करो, 1 चम्मच सूंड का पाउडर मिक्स करो और 1 चम्मच सूखे तुलसी के पत्तों का पाउडर मिक्स करो। देखो ये टोटल 10 चम्मच हो जाएंगे। एक एयर टाइट कंटेनर में रख के उसको अच्छे से मिक्स करो। हमारा हल्दी के दूध का मसाला रेडी है। देखा कितना आसान है बनाना। देखो दोस्तों, इतनी आसान तरीके से हमने हल्दी का दूध बनाना सीख लिया है। देखो हम बाहर से आ रहे हैं, थके भागे आ रहे हैं, तो जाके हल्दी का दूध बनाने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो अभी नहीं होगा। सिर्फ गर्म दूध लो, उसमें आपको चाहिए उतना शक्कर डालो, उसमें 1/2 चम्मच ये हल्दी के दूध का मसाला डालो, आपका हल्दी का दूध का मसाला रेडी हो गया। देखो एक चीज़ ध्यान में रखो कि हल्दी खुद में उष्ण है, इसमें डाले गए सब घटक उष्ण है, तो जिनको पित्त की बीमारी है वो थोड़ा इस मसाले का कम ही मात्रा में उपयोग करें। और अभी देखते हैं हम हल्दी के दूध पीने के फायदे क्या क्या है। देखो दोस्तों, सबसे पहला फायदा है कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मुहावरा है, पी हल्दी और हो गोरी, मतलब हल्दी पियो और गोरे हो जाओ। ये तो मुहावरा हो गया, लेकिन इसका मतलब है कि हल्दी हमारा वर्ण सुधारने में बहुत अच्छे से काम करती है। देखो हमारा वर्ण सुधार सकती है, हमारी जो चेहरे पे झुर्री आती है वो कम करने में भी हल्दी बहुत असरदार होती है। ये हल्दी पी के हम बहुत से फायदे ले सकते हैं। देखो हल्दी को आयुर्वेदा ने कुष्ठघ्न बोला है। कुष्ठघ्न मतलब क्या? कुष्ठ मतलब आयुर्वेदा में त्वचा विकार, तो त्वचा विकारों में हल्दी का उपयोग आता है। तो हल्दी का दूध पीने से हमारे कुछ भी त्वचा के प्रॉब्लम रहेंगे तो वो कम आने में बहुत सी मदद हो जाती है। देखो जैसे मुहासे है, नहीं तो ब्लैक सर्कल है, डार्क सर्कल है, ये सब कम आने के लिए हल्दी का दूध बहुत दिनों तक पियोगे तो आपके त्वचा का वर्ण और त्वचा का टोन सुधारने में बहुत मदद हो जाएगी। दूसरा इसका महत्वपूर्ण फायदा है कि हल्दी उष्ण रहने से कफ की बीमारियों में बहुत ज़्यादा उपयोग आती है। जैसे कि बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, सर्दी खांसी टॉन्सिलाइटिस या गले में खराश या फिर सांस फूलना, ऐसी कफ से होने वाली बीमारियां रहेगी तो उसमें हल्दी का दूध बहुत अच्छे से फायदेमंद होता है। देखो आप वायरल इन्फेक्शन तो अभी देख ही रहे हैं हम, वो वायरल इन्फेक्शन कम आने के लिए हल्दी का दूध रोजाना पीना बहुत फायदेशील हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण इसका फायदा है कि ये खुद में पेन किलर जैसे काम करता है, हमारा वेदना कम आने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे देखो हमने देखा रहेगा कि किधर भी दर्द रहेगा तो हमारे घर में हल्दी का लेप दिया करते हैं, क्योंकि पेन कम आने के लिए। ऐसे ही आप थके भागे आ रहे हो, बदन दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो इसके लिए चाय से अच्छा हल्दी का दूध पियो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। पीछे हमने देखा कि हल्दी कफ के विकारों में ज़्यादा काम करती है, मतलब स्थूलता बढ़ना ये भी एक कफ की बीमारी है, तो स्थूलता कम करने के लिए भी हल्दी का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सिर्फ इधर हल्दी के दूध की जगह हल्दी की चाय पियो, हल्दी की चाय मतलब दूध के जगह गर्म पानी लेके उसमें हल्दी का मसाला डाल के पीने से आपको आपकी स्थूलता कम करने में भी बहुत मदद हो सकती है। अगर आप प्रमेह व्याधि से पीड़ित हो, डायबिटीज से पीड़ित हो, तो इसमें भी हल्दी का दूध आपको बहुत असरदार हो सकता है। तो लेकिन उसमें शक्कर मत मिलाओ, चाहिए तो थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हो और वो पानी में पियो तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। देखा दोस्तों कितनी आसान तरीके से हम हल्दी का दूध बना सकते हैं।
और हल्दी के दूध के फायदे भी देख सकते हैं। ऐसे ही आसान आसान चीज़ों को हमारे जीवन में लाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमें लाइक करना ना भूलें, जिससे हम और वीडियो बना सके और आपके हेल्थ के लिए और ज़्यादा जानकारी दे सके। देखो दोस्तों, अभी हम और एक चीज़ पे और एक विषय पे बात करने वाले हैं। ये विषय बहुत ही जरूरी है। देखो, हमारे जो भाई बहन हैं नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई तो चाय का दुकान की फ्रेंचाइजी मॉडल या चाय का दुकान का सेटअप लगाने वाला है। तो देखो यार, अभी आप हल्दी के दूध का फ्रेंचाइजी निकाल के भी बहुत अच्छे से आपका बिजनेस सेट कर सकते हो। देखो, आज वायरल इन्फेक्शन की वजह से चाय से ज़्यादा डिमांड हल्दी के दूध की है, तो आप हल्दी का दूध बना के भी बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हो। इसके लिए आप नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी हल्दी के दूध की जानकारी पूरी ले, हल्दी के दूध की पूरी जानकारी लेके ही ये हल्दी के दूध का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचे। दोस्तों, हमने हल्दी के दूध के बिजनेस के बारे में भी बात की, जिससे हमारे भाई बहन एक नया स्टार्टअप भी कर सकते हैं। देखो, आज हल्दी के दूध का डिमांड भी बहुत अच्छा है। आपके पास इंस्टेंट हल्दी का मसाला भी रेडी है, कॉफ़ी से या चाय से बहुत बढ़िया एक नेचुरल हेल्थ ड्रिंक है, जो खुद में एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। हल्दी पे अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े रिसर्च बन रहे हैं। तो देखो, ऐसा जो हमारा देसी हल्दी का दूध है, इसे कभी भी कम मत समझो। हर एंटीक चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, हर एंटीक चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और हमारा हल्दी का दूध आज के ज़माने में एंटीक पीस ही है, बहुत ज़्यादा कीमत वाला ही है। देखो, हल्दी को आयुर्वेदा में कांचनी मतलब सोने जैसा पीला ऐसे बोल के उसका वर्णन किया है, ऐसे बोल के इसका गौरव भी किया है। तो हल्दी के दूध को सोने से कम कभी भी ना समझो। सोने जैसे महत्व वाला हमारे रसोई का जो सोना है, उसे हम हल्दी कहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करना ना भूलें। हम आपके कमेंट की राह देख रहे हैं। धन्यवाद।